हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आया आपके लिए बहुत प्यारा पैटर्न जो कि लेडीज़ कार्डिगन और जैकेट के लिए सुटेबल है। बहुत ही प्यारा पैटर्न है और इस पैटर्न को बनाने से आपको एक और फ़ायदा होगा कि नीचे आपको ये देखिए स्कैलप बॉर्डर, इस तरह के बॉर्डर के लिए अलग से कोई कास्टिंग ऑन या बॉर्डर नहीं बनानी पड़ेगी। आप 4 या 6 सिलाइयों को उल्टा उल्टा बुनने पर डायरेक्ट डिज़ाइन स्टार्ट कर सकती हैं, ये अपने आप इस तरह से हो जाएगा, तो आपको अलग से किसी बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान पैटर्न है, 15 फंदों का रिपीटेड पैटर्न है। इसके लिए हमें 15 का मल्टीपल प्लस 4 फंदे चाहिए। यहाँ पे मैंने 34 फंदे लिए हुए हैं और ये देखिए एक डिज़ाइन मैंने बना रखी है और दूसरी डिज़ाइन मैं आपको यहाँ से डाल के बताऊँगी फर्स्ट रो से हमने कैसे स्टार्ट किया है। तो चलिए इस प्यारी सी डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। देखिए हमारी फर्स्ट रो है, पहला फंदा हमें उतार लेना है, ये हमारी एज स्टिच है। अब इसके बाद हम ऊन आगे करेंगे, दो फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक दो। फ्रेंड्स, इस फंदे के बाद यहाँ से हम जो 15 फंदों का पैटर्न बनाएंगे उसी को हमें बार बार रिपीट करना है। दो फंदे बुन लिए, अब अगली बार हम क्या करेंगे, ऊन को इस तरह से सिलाई पे लपेटेंगे। ये देखिए लपेटा, फिर इसके बाद हम 7 फंदे सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार 5 6 और ये 7। 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर अगला फंदा हम जैसे हम उल्टा बुनते हैं, देखिए उल्टा बुनते वक्त सिलाई को इस तरह इंसर्ट करते हैं, इसी तरह से उतार लेंगे। हमें इसे सीधे की तरह से नहीं उतारना है, इसी तरह से उतारना है। अब अगले दो फंदों को हम एक साथ बुन लेंगे और इस फंदे को इस पर हम उतार देंगे, ये देखिए। फिर उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर उन पीछे और ये दो फंदे सीधे। ये हमारे 15 फंदे हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा रिपीट पैटर्न ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर रिपीट आपका पैटर्न ख़त्म होगा। देखिए ऊन को आपको इस तरह से लपेटना है। अभी हमने जो यहाँ पे ऊन को लपेटा था, वो हमने ऊन को हम पीछे ले गए थे, इस तरह लपेटा था, लेकिन हमें यहाँ पे ऊन को आगे लाना है क्योंकि उल्टा बुनना है। अब यहाँ से हम रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। देखिए दो उल्टा बुना था हमने, बुन लिया, फिर ऊन को इस तरह से लपेटेंगे, ये देखिए पीछे की तरफ ले जाएंगे, 7 फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार 5 6 और ये 7। 7 फंदे हमने बुन लिए। अब हम एक फंदे को इस तरह से उतारेंगे और दो फंदों को पीछे से एक कर लेंगे, फिर इस उतारे फंदे को इस पे गिरा देंगे, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो फंदा हम राइट साइड से उल्टा बुन रहे हैं, सिर्फ एक ये वाला फंदा, यही फंदा पीछे से रॉन्ग साइड से सीधा बुना जाएगा, बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए ये एक ही फंदा उल्टा है जिसे हम सीधा बुनेंगे, ऊन पीछे दो फंदे सीधे, फिर ऊन लपेट के आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। फिर उन पीछे एक फंदा सीधा, ये देखिए ये हमारे 3 एक्स्ट्रा के हैं और ये एक एज स्टिच वाला एक्स्ट्रा, 4 फंदे एक्स्ट्रा हो गए। अब रॉन्ग साइड से देख लीजिए, पहले तो हम पहला फंदा उतार लेंगे और फिर एक दो तीन चार और ये 5, ये 5 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर उन आगे, अब देखिए ये जो हमने राइट साइड से उल्टा बुना था वो फंदा है जिसे हमें रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है, ये देखिए ये सीधा। बस फर्स्ट रो में दिक्कत आएगी, उसके बाद से आप जब स्टार्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से सीधा फंदा बनता जाएगा, तो आपको सीधे पे सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनना है। उन पीछे फिर सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे, ये जाली वाला फंदा है इसे हमें इस तरह से बुनना है, हमें इसे ऐसे नहीं बुनना है, ये अंदर की तरफ से ऐसे करके इसे बुनेंगे। अब देखिए ये वो फंदा है जिसे हमने राइट साइड से उल्टा बुना था, तो हम इसे रॉन्ग साइड से सीधा बुन लेंगे, फिर उन अपनी तरफ सारे फंदे उल्टे।
देखिए फिर हम राइट साइड पर आ गए हैं, तो यहाँ पे उसी तरह से बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टा, एक दो, फिर ऊन को इस तरह से लपेट के पीछे ले जाएंगे। हमने पिछली बार 7 फंदे बुने थे, इस बार हम यहाँ पे 6 फंदे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये 6 फंदे बुने। फिर अगला हम इस तरह से उतारेंगे, दो फंदों को पीछे से एक करेंगे और इस फंदे को इस पर उतार लेंगे। अब देखिए ये उल्टा फंदा आ गया, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, एक उल्टा फिर उन पीछे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे आपके पास सीधे हैं, एक दो तीन। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं उल्टे के बाद एक एक फंदा बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे जो 2 फंदे हमने उल्टा बुने हैं फिर एक जाली डाली है, तो जाली के बाद हमारे एक एक फंदे कम होते जाएंगे। पिछले रो में हमने 7 फंदे बुने थे, इस बार 6 फंदे बुने हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे हम इस तरह से जाली डालेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर उन पीछे करके जाली डालेंगे, 6 फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच और ये 6 फंदे सीधे। एक उतारेंगे, 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे, फिर उतारे वो गिरा देंगे, ऊन आगे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक दो और ये 3 सीधे। ऊन को इस तरह से लपेटेंगे, 2 उल्टा, 2, फिर ऊन पीछे, एक सीधा। अब देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे आपको सीधा फंदा स्पष्ट हो गया, देखिए सीधा फंदा स्पष्ट हो गया, तो आपको सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा करना है। पहला उतार लेंगे, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा करके रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करेंगे। अब हम राइट साइड से 5th रो पर हैं, पहला फंदा हमें उतार लेना है, फिर उन आगे करेंगे, 2 उल्टा बुनेंगे, फिर उन को लपेट के पीछे ले जाएंगे इस तरह से, और फिर इस बार हम 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बुने। फिर उन एक फंदा उतारेंगे और 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे, इस फंदे को इस पर हम गिरा देंगे, ऊन आगे, एक उल्टा, और इस बार देखिए यहाँ पे 4 फंदे सीधे हैं, तो 4 सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4 सीधे, ऊन आगे, और फिर अब यही पैटर्न हम यहाँ से जहाँ से हमने उल्टा बुना यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक बुनते हुए जाएंगे। तो इसे बुन लेते हैं, ये देखिए 5th रो कंप्लीट हो गए। फिर 6th रो में हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनेंगे। देखिए जो उल्टे दिख रहे हैं सबको उल्टा बुनना है, और जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बुनेंगे। सिर्फ 2 ही फंदे सीधे हैं, देखिए एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, तो इसे बुन लेते हैं। अब देखिए 6th के बाद 7th रो है, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, 2 के उल्टे बाद फिर उनको इस तरह लपेटेंगे, इस बार हम 4 फंदे बुनेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 फंदे बुनने के बाद देखिए एक उतारेंगे, 2 को पीछे से एक करेंगे और इस फंदे को इस तरह से इस पर ड्रॉप कर देंगे, फिर उन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, उन पीछे, देखिए इस बार यहाँ पे 5 फंदे हैं, तो 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधा बुन दिया। फिर अब उनको इस तरह से लपेट के अपनी तरफ लाएंगे राइट साइड में, और फिर ये पैटर्न यहाँ से जहाँ से हमने उल्टा उल्टा बुना है वहाँ से हम रिपीट करेंगे। देखिए 8th रो हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लिया, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। फिर हम 9th रो पे हैं, तो पहला फंदा हमें उतार लेना है, फिर उन आगे करेंगे, 2 उल्टा, फिर इस तरह से उनको लपेटेंगे, इस बार हम यहाँ पे 3 फंदे सीधा बुनेंगे, देखिए 1 2 और ये 3 सीधा बुना, फिर एक उतारा, फिर 2 को पीछे से हमने एक किया, फिर इस फंदे को इस पर उतार लिया, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा, फिर बाकी के सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे। फिर उनको इस तरह से घुमाएंगे और ये पैटर्न जहाँ से हमने उल्टा स्टार्ट किया था उसे रिपीट करेंगे। ये देखिए 10th रो रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट कर लिया, हम 11th रो पर हैं। पहला फंदा हम उतार लेते हैं, फिर 2 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, देखिए 1 और ये 2,
फिर उनको इस तरह से लपेट के पीछे ले जाएंगे और इस बार हम दो फंदे सीधा बुनेंगे, एक और ये दो, दो फंदे सीधे हो गए। अगला उतारेंगे, फिर दो को इस तरह से एक कर लेंगे और उतारे हुए फंदे को इस पर गिरा देंगे। ऊन आगे एक उल्टा करेंगे, फिर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, ये हमारे सात फंदे सीधे हो गए। और फिर इसके बाद से फिर उनको इस तरह से लपेट के आगे लाएंगे, दो उल्टे, और ये पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ उल्टे से स्टार्ट किया है। तो ये उल्टा हो गया, फिर फंदा आगे, फंदा लपेट के दो सीधे और फिर तीन का एक। ये देखिए, ये हमने ट्वेल्थ रो कंप्लीट कर ली है और अब हम थर्टीन्थ रो पे हैं जो कि हमारी राइट साइड से लास्ट रो है। पहला फंदा एज इट इज़ उतारते हैं, ये दो फंदे हम उल्टा बुनेंगे, फिर उनको इस तरह से लपेटेंगे और इस बार हम सिर्फ एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक उतारेंगे और दो फंदों को हम पीछे से एक करेंगे। ऊन आगे एक पीछे से एक करने के बाद हमें ये उतारा हुआ फंदा इस पर उतार देना है। देखिए इस तरह से, ये जो हमने उतारा था उसे उतार दिया, फिर ऊन आगे और एक फंदा उल्टा, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ फंदे सीधे, फिर उनको इस तरह से लपेट के आगे लाएंगे, दो फंदे सीध उल्टा बुनेंगे और फिर अब ये पैटर्न, ये जो हमने ऊन आगे किया था यहाँ से इसको रिपीट कर लेंगे, इस तरह से पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा और फिर एक उतारेंगे और फिर दो को एक करेंगे, उतारे हुए फंदे को इस पर इस तरह से उतार लेंगे। ऊन आगे एक उल्टा, फिर आठ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, आठ फंदे सीधे, ऊन लपेट के आगे, दो उल्टा और जो एज स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से देखिए, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, हमने रॉन्ग साइड की 14th रो कंप्लीट कर ली है और फिर अब हम फर्स्ट रो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। 14th रो का पैटर्न है, तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने खूबसूरत सा पैटर्न बना लिया है। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी। और हाँ, एक बार आप लोग मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें, वहाँ पर मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर बेबी फ्रॉक, लेडीज सॉक्स, बेबी बुटीज़, इन सब की वीडियोस डाली हुई हैं जो बहुत से लोगों को पसंद आती हैं और आपको भी ज़रूर आएगी पसंद। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।